तो माइनक्राफ्ट काफी ज्यादा एक हैप्पी सा गेम है, क्रिएटिव सा गेम है, जिसके अंदर हम कुछ नई नई चीजें बिल्ड कर सकते हैं, नई नई जगह पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, विलेजर से ट्रेड कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जो रियल लाइफ में करना पॉसिबल नहीं है। और ऐसी चीजें ही माइनक्राफ्ट को काफी ज्यादा एकदम मजेदार बनाती है। लेकिन उसी के साथ माइनक्राफ्ट में कुछ ऐसी चीजें भी है जो बिल्कुल स्केरी और बिल्कुल हॉरर है, और कुछ ऐसी तगड़ी मिस्ट्रीज जो आज तक सॉल्व भी नहीं हो पाई है। एंड आज वाली वीडियो में भी हम माइनक्राफ्ट की कुछ ऐसी खतरनाक चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल एकदम स्केरी और एकदम मिस्टीरियस हो। नंबर 4, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉसिल्स पे, जिन पे यार ज्यादा कोई बातें ही नहीं करता है। मेरे को सर्वाइवल के ओवरवर्ल्ड में आज तक एक भी फॉसिल नहीं मिला है। नेदर में तो खैर बहुत सारे पड़े रहते हैं। दोनों ही नेदर और ओवरवर्ल्ड के फॉसिल के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो ओवरवर्ल्ड में ये फॉसिल हमें सिर्फ डेजर्ट और स्वैम्प बायोम के नीचे ही मिलते हैं। पूरा स्ट्रक्चर इनका बोन ब्लॉक से बना रहता है और कहीं कहीं पे कोल के ओर भी लगा रहता है, यहाँ तक किसी किसी में डायमंड का ओर भी लगा रहता है। ओवरवर्ल्ड में पूरे 8 टाइप के फॉसिल्स होते हैं, 4 स्कल वाले और 4 ऐसे लंबे वाले, जिनको हम स्पाइन फॉसिल कहते हैं। इनके नाम भी बहुत ज्यादा सिंपल है, स्कल 1, स्कल 2, स्कल 3, स्कल 4, स्पाइन 1, स्पाइन 2, स्पाइन 3, स्पाइन 4। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये फॉसिल्स? पूरे बोन के बने रहते हैं, मतलब किसी ना किसी लिविंग बींग के पक्का होने चाहिए। और इतने बड़े लिविंग बींग तो भाई माइनक्राफ्ट में अभी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, एंडर ड्रैगन भी छोटा पड़ जाता है इनके सामने। लेकिन अगर हम माइनक्राफ्ट के सारे मॉब्स को एक बार देखे तो इन स्कल से काफी ज्यादा मॉब्स के फेस मैच होते हैं, जैसे कि ये कैट वाला, ये सिल्वर फिश वाला, ये शीप जैसा दिखता है, लेकिन ये साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। एंड वहीं पे अगर हम नेदर की ओर चले तो वहाँ का नजारा ही बदल रखा है। वहाँ पे कोई 7-8 नहीं बल्कि 14 टाइप्स के अलग अलग फॉसिल्स मिलते हैं, एकदम छोटा सा सिंपल से लेके एकदम कॉम्प्लिकेटेड वाला। ओवरवर्ल्ड वाले फॉसिल तो ज्यादातर स्कल या फिर स्पाइन के होते हैं, लेकिन ये वाले थोड़े से अलग दिखते हैं, ये सारे ही रिब केज के फॉसिल्स है। वैसे तो ये आपको पूरे नेदर में कहीं नहीं दिखेंगे, एंड जैसे ही आप सोल सैंड वैली में चले जाओगे ये भरे रहेंगे वहाँ पे। और सोल सैंड वैली में आवाजें कैसी आती है आपको पता ही है ना। तो जैसे ओवरवर्ल्ड वाले फॉसिल्स के फेस थोड़े बहुत मॉब से मैच होते हैं, वैसे ही इन सारे रिब केज को एक साथ मिला दो तो थोड़ा सा विदर जैसा स्ट्रक्चर बनता है, वो भी बहुत बड़ा। अभी के माइनक्राफ्ट में ना ही इतने बड़े मॉब्स होते हैं और ना ही इतना बड़ा विदर, तो भाई ये चक्कर क्या है? मेरे हिसाब से तो भाई क्या पता माइनक्राफ्ट में बहुत पहले यार बहुत ज्यादा बड़े बड़े एकदम म्यूटेंट वाले मॉब स्पॉन होते थे और उन्हीं के ये फॉसिल्स रह गए होंगे। और इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मेरे को भी नहीं पता। लेकिन कभी आपने नोटिस करा कि नेदर फोर्ट्रेस की जो वॉल्स होती है वो काफी ज्यादा ऊपर होती है? क्या पता म्यूटेंट वाले विदर से बचने के लिए लगा रखी हो। नेदर के अंदर जब भी मेरे को फॉसिल मिलता है मैं तो उनको तोड़ के सिंपल बोन मील बना लेता हूँ, 1 से 9 मिल जाते हैं। नंबर 3, माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड में काफी सारे मॉब्स हैं, ज्यादातर बिना बुद्धि के, लेकिन कुछ ऐसे मॉब्स भी हैं जो थोड़ा सा इंटेलिजेंस शो करते हैं, जैसे कि विलेजर्स, पिलेजर, विच, एंडरमैन या फिर पिगलिन। ये सारे लोग अपनी अलग अलग कॉलोनी बना के रहते हैं, सबके पास अपनी अलग अलग स्किल्स है, जैसे कि विलेजर्स ट्रेड कर सकते हैं, विच पोशन क्राफ्ट कर सकती है और पिगलिन नेदर के गोल्ड की रक्षा करता है, इसलिए ये थोड़ा इंटेलिजेंट कहलाते हैं, ना कि एक शीप जो कि पूरे दिन चढ़ती रहती है। बट इन मॉब्स के अलावा भी एक सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है अपना स्टीव ऑर्कॉन। आप इस चीज को चाहे मानो या फिर ना मानो, स्टीव माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एंटिटी है। वो अपने इस वर्ल्ड में कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बना सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी एनिमल्स को मार सकता है और बड़े से बड़े मॉब को भी एकदम खत्म कर सकता है। और स्टीव अपने साथ हजारों चीज एक साथ रख सकता है, और एक ऐसी पावर जो माइनक्राफ्ट के किसी भी मॉब के पास नहीं है लेकिन अपने स्टीव के पास है, रिस्पॉन होना। माइनक्राफ्ट में आप किसी भी मॉब को मार दो वो कभी रिस्पॉन नहीं हो सकता, लेकिन स्टीव जब भी मरता है अपने बेड पे ही वापस उठता है। इस हिसाब से माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड का स्टीव तो गॉड हुआ ना, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। और इसी के साथ भाई क्वेश्चन राइज होता है कि स्टीव है कौन और स्टीव है क्या चीज, स्टीव इस वर्ल्ड में कहां से आया है और क्यों आया है। काफी सारी थ्योरीज है इसके ऊपर, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले थ्योरी ये है कि माइनक्राफ्ट का एक वर्ल्ड होता है, उसके अंदर स्टीव जैसे दिखने वाले काफी सारे लोग होते हैं, और एक दिन बहुत ज्यादा खतरनाक सा पेंडेमिक आ जाता है और सारे ह्यूमंस वहां पे ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और अपना स्टीव भी ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन स्टीव काफी ज्यादा स्पेशल होता है, उसका IQ काफी ज्यादा हाई होता है, इसलिए वो अपने आप को ठीक कर लेता है। हम कह सकते हैं स्टीव भी एक ज़ॉम्बी था लेकिन वो ठीक हो चुका है, इनके कपड़े भी तो देख लो कितने ज्यादा मिलते हैं। लेकिन इस थ्योरी में मेरे को बिल्कुल भी दम नहीं लग रहा, क्योंकि अगर स्टीव खुद ठीक हुआ है तो उसको दूसरों को भी ठीक करना चाहिए, जो कि गेम में कहीं पे भी दिखाया नहीं गया है। हमें तो एंडर ड्रैगन मारना होता है। एंड उसके अलावा अगर सारे ज़ॉम्बी बन गए थे तो विलेजर्स कहां से आए? बड़ी ही अजीब सी और फालतू की थ्योरी लग रही है। वैसे ये मैंने ही बनाई है, मैं अपना बेड पे भाई मस्त सो रहा था और ऐसे मेरे को ख्याल आया और ये मैंने कहानी बना डाली।
गई। वैसे एक और थ्योरी भी मैंने बनाई है, इससे भी ज्यादा वाहियात है, चलो ये वाली भी सुन ही लो। तो इस वाली थ्योरी में अपना भाई स्टीव सो रहा होता है नींद में, और ये जो सारी सर्वाइवल वगैरह की चीजें हो रही है, ड्रैगन को मारा जा रहा है, ये उसके सपने में हो रही है। ओके, लेट्स बी सीरियस। अब मैं आपको एकदम खतरनाक सी थ्योरी सुनाता हूँ, और ये वाली मैंने नहीं बनाई है। तो फिर से एक माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड होता है, वहाँ पे सारे लोग एकदम खुशी खुशी रह रहे होते हैं, सारे लोग कुछ ना कुछ नई चीजें बिल्ड कर रहे होते हैं, और अपने स्टीव के पास होता है कुछ ज्यादा ही IQ, और वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है जो कि बुरी तरीके से फेल हो जाता है। एक्सपेरिमेंट नई लाइफ क्रिएट करने का, और जितने भी लोग होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं एक जगह, वो जगह मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अपना स्टीव वहाँ से भाग नहीं पाता है, क्योंकि ये गलती उसको सुधारनी थी। और मैंने बोला था ना, रिस्पॉन काफी ज्यादा तगड़ी पावर है स्टीव की, वो उसकी पावर नहीं बल्कि सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक वो अपनी गलती को ठीक नहीं कर देता, तब तक वो अगेन रिस्पॉन होता रहेगा। उसने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया था और कहाँ पे सारे लोग चले गए, वो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा, बस वीडियो को एंड तक देखो। दूसरा नंबर, तो एंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट का फाइनल बॉस होता है, जो कि पूरी एंड डायमेंशन पे और एंडरमैन पे राज करता है। लेकिन ये एंडरमैन है कौन, और इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे एंड सिटीज किसने बना रखी है, और एंड डायमेंशन में जाने के लिए हमें एंड पोर्टल का यूज करना पड़ता है, और ये पोर्टल किसने बनाया है, सबके जवाब आपको मिल ही जाएंगे, बस ध्यान से सुनना मेरी बातें, और ये भी पता चल जाएगा कि अपना स्टीव कौन है और इसका मोटिव क्या है। तो माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड में बहुत पहले एक एंशिएंट बिल्डर्स की रेस रहती थी, जिनके लोग काफी ज्यादा दिमाग से शातिर थे, और जो भी वो चीज बनाते थे वो एकदम परफेक्ट बिल्ड होती थी। एंड अभी आप जितने भी माइनक्राफ्ट में स्ट्रक्चर्स देखते हो, जैसे कि अपना डेजर्ट पिरामिड हो गया, जंगल टेंपल हो गया, वो सारे उन्हीं के बनाए हुए थे। इस सिविलाइजेशन में सारे बिल्डर थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस वर्ल्ड के बारे में और जानना चाहते हैं। धीरे धीरे उन्होंने काफी ज्यादा चीजें इंप्रूव करी, और एक दिन ऐसा आया उन्होंने एक नया डायमेंशन खोल दिया, जिसको आजकल हम नेदर कहते हैं। नेदर में जाने के बाद उनको ये चीज तो पक्का समझ आ गई थी, ये नेदर काफी ज्यादा भयानक और वायलेंट जगह है। लेकिन कुछ लोगों ने वहीं पे रहने का फैसला लिया और रिसोर्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए, और जो भी वहाँ पे ज्यादा देर तक रहा वो सोल एनर्जी के चक्कर में विदर स्केलेटन में कन्वर्ट हो गए, जो कि आज भी आपको नेदर फोर्ट्रेस में अपने रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन करते हुए दिख जाएंगे। और जो भी बचे कुछ बिल्डर्स थे, उनकी सोल धीरे धीरे सैंड वैली में जमा होती रही। अब आते हैं हम अपने मेन कैरेक्टर स्टीव पे। तो स्टीव भी एंशिएंट बिल्डर की रेस से बिलोंग करता है, और एक दिन स्टीव ने नेदर में जो भी बिल्डर्स गए थे उनको वापस लाने का सोचा। इस वाले एक्सपेरिमेंट में वो सोल और बॉडी को मिलाने वाला था, जिससे उसको लगा कि नई लाइफ क्रिएट होगी। और जैसे ही एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म करा गया, इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा भयानक थे। अब पूरे वर्ल्ड में विदर्स का राज था और सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही थी। और तभी एंशिएंट बिल्डर ने सोचा कि एक दूसरा डायमेंशन बना जाए और सारे लोग वहीं पे चले जाए, एक ऐसा डायमेंशन जो कि विदर भी ना तोड़ पाए। और इसमें उन्होंने ऐसे कुछ स्टोन्स लगाए जो कि विदर भी नहीं तोड़ सकता था, और धीरे धीरे सारे बिल्डर्स वहां पे चले गए। लेकिन स्टीव को सारी चीजें ठीक करनी थी, इसलिए वो वहां पे नहीं गया। एक बार एंड डायमेंशन में पहुंचने के बाद उनको रियलाइज हो गया कि यहां से वापस नहीं जाया जा सकता, और वो एंड ड्रैगन को भी नहीं खत्म कर सकते थे। और एंड जैसी भयानक जगह में कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, खाने के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, कोरस फ्रूट। कोरस फ्रूट में कुछ ऐसा वायरस था जो कि धीरे धीरे उनको एंडरमैन बना रहा था। सारे एंशिएंट बिल्डर एंडरमैन बन गए, जो कि आज भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं और कुछ ब्लॉक्स भी उठा सकते हैं। अब स्टीव का मोटिव होता कि वो एंड पोर्टल में जाके एंडर ड्रैगन को मार के एंड को फ्री कर दे। नंबर वन, हीरोब्राइन, माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस क्रिएचर, या फिर कह सकते हैं माइनक्राफ्ट का ऐसा एक फेक क्रिएचर जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। बट जब भी माइनक्राफ्ट का नया अपडेट आता है, उसमें हमेशा रिमूव्ड हीरोब्राइन लिखा रहता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हीरोब्राइन दिखता कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है। लोगों का कहना है कि हीरोब्राइन दिखने में तो बिल्कुल स्टीव जैसा होता है, लेकिन उसकी आईबॉल्स नहीं होती और उसकी आईज पूरी व्हाइट रहती है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना कि वो बिल्कुल ब्लाइंड होता है। एंड अगर आपके वर्ल्ड में 2x2 के टनल्स बनने लग जाए, ओशन के ऊपर ऐसे के पिरामिड बनने लग जाए, या फिर फॉरेस्ट में से जो ट्री होते हैं उनकी लीव्स गायब हो जाए, एंड जब भी स्टीव डैमेज खाता है उसकी जैसी आवाज आती है वैसी ही आवाज आने लग जाए, तो समझ लेना हीरोब्राइन आसपास ही है। एंड कुछ फैक्ट्स कहता है कि हीरोब्राइन का गोल्ड काफी ज्यादा पसंद होता है, एंड जब भी वो टनल्स बनाता है उसके अंदर रेड स्टोन टॉर्च लगाता है। अब देखते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है। जब से ये वाला स्क्रीनशॉट वायरल हुआ इंटरनेट पे, तभी से हीरोब्राइन की स्टार्टिंग हुई थी। स्क्रीनशॉट में वैसे ज्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां दूर फॉग में एक एंटिटी नजर जरूर आ रहा है जिसकी आंखें व्हाइट कलर की है। तो जिस बंदे ने ये वाला स्क्रीनशॉट अपलोड करा था, उसका कहना कि जब उसने हीरोब्राइन को पहली बार देखा था तो उसके वर्ल्ड में वही सारे चेंजेस होने लग गए, पेड़ों में से लीव्स हट गए, 2x2 के टनल बनने लगे वगैरह वगैरह। एंड उस वाले बंदे ने ये स्क्रीनशॉट इंटरनेट पे अपलोड भी करा, एंड उसको एक मेल आया हीरोब्राइन के नाम से, एंड जब इसे हीरोब्राइन को हीरोब्राइन कहा जाता है। और जहां तक मेरे को पता, ये बाद में फेक भी निकला था। एक और मेजर एविडेंस है हीरोब्राइन के एग्जिस्ट होने का, कोपलैंड की स्ट्रीम। कोपलैंड एक माइनक्राफ्ट का फॉरेन स्ट्रीमर है, जो अपने फ्रेंड के साथ ब्रोक्राफ्ट के सर्वर में माइनक्राफ्ट
माइनक्राफ्ट की लाइव स्ट्रीम कर रहा था एंड लाइव स्ट्रीम में वो अपने घर के अंदर घुसने वाला होता है एंड उसको सामने हीरो ब्रायन दिखता है, वो भी लाइव स्ट्रीम पे। सारे भाई जनता पागल हो जाती है, रातों रात ये क्लिप वायरल हो जाती है एंड सबको उस टाइम लगता है कि हीरो ब्रायन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इतना खुश होने की कोई बात नहीं है, उसने अगले दिन ही आके बता दिया था कि सब कुछ फेक था। उसने एक पेंटिंग को फोटोशॉप में रीटेक्सचर करके वहां पे लगा दिया था एंड फिर से हम रह चुके बिना कोई एविडेंस के। एंड जब तक कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं, जब तक तो हमें यही मानना पड़ेगा हीरो ब्रायन कोई चीज नहीं होती। लेकिन एक मिनट रुक जाओ जरा, अगर माइनक्राफ्ट में हीरो ब्रायन है ही नहीं तो माइनक्राफ्ट के पैच नोट में सबसे नीचे रिमोट हीरो ब्रायन क्यों लिखा रहता है? एंड कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके ऊपर इतना हाइप क्यों बना रखा है? अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएगी हीरो ब्रायन पे और सारी वीडियोस फेक है। अब मैं आपको मेरे ओपिनियन से बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मी माइनक्राफ्ट में हीरो ब्रायन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है और शायद पैच नोट में हीरो ब्रायन रिमूव इसलिए लिखा रहता है ताकि हमेशा हाइप बनी रहे, क्योंकि हीरो ब्रायन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा पॉपुलर बनाता है। इवन माइनक्राफ्ट के पोस्टर में भी आपको हीरो ब्रायन के फिगर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी जो माइनक्राफ्ट के वेटरन प्लेयर है, जो 9-10 साल से माइनक्राफ्ट खेले ही जा रहे हैं, उनके वर्ल्ड में जरूर थोड़ी बहुत अलग एक्टिविटीज हो रखी है। अब उनको आप हीरो ब्रायन की एक्टिविटीज कहो या फिर कुछ और। वैसे मेरी हीरो ब्रायन से अच्छी खासी पहचान है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके वर्ल्ड में पहुंचा दूंगा। तो इसी के साथ गाइज ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।